हेलो एवरीवन, मैं वसीम और आप सब देख रहे हैं गुलबर्गा हेडलाइंस। आज इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हम लोग बात करेंगे कर्नाटका के उडुपी ज़िले से शुरू हुआ हिजाब मामला, जो आज पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में इसके ऊपर चर्चा चल रही है। इस मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब रहीम पटेल साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रहीम पटेल साहब का इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी रहीम पटेल साहब, जिस तरह से आप जानते हैं उडुपी का जो मसला था, वहाँ पर कॉलेज में लड़कियों को हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई थी, वो मसला आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते बढ़ते पूरे कर्नाटका में और पूरे मुल्क में, मुल्क के साथ साथ पूरे दुनिया में इस मामले की चर्चा चल रही है। ये मामला कर्नाटका के हाईकोर्ट में भी चल रहा है, तो इस मामले पर शुरुआत कहाँ से हुई और हाईकोर्ट में जो सेशन चल रहे थे, जो वहाँ का हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है उस पर भी लोगों की नज़र है, आवाम में कर्नाटका के खासकर हर ज़िले की आवाम में ये खौफ फैला हुआ है कि लड़कियों को कॉलेज कैसे भेजें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कॉलेज के बाहर कई लड़कियों को वहाँ पर जो है ना हुजूम, भीड़ की शक्ल में लोग आकर जो नकाब में हिजाब में जो लड़कियाँ कॉलेज जा रही हैं उनके ऊपर भीड़ की शक्ल में लोग हमला करते नज़र आ रहे हैं। ये जो तमाम मामला है इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो उडुपी का जो मामला शुरू हुआ था उसकी वजह क्या थी? देखिए, सबसे पहले ये जो हिजाब का जो मसला आया है, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल एक मसला था। कुछ एक प्री यूनिवर्सिटी, उडुपी में एक प्री यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट का कॉलेज है, वहाँ के 6 से 8 लड़कियाँ और वो कॉलेज के बीच में एक स्कार्फ को पहनने का एक छोटा मसला था। वो मसले को वहाँ के जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं और वहाँ की जो कॉलेज डेवलपमेंट की जो कमिटी है और वहाँ के जो लोकल MLAs ने ये इतने छोटे मसले को इतना कॉम्प्लिकेट किए हैं। आज वो एक छोटा स्कार्फ का मसला, एक चंद लड़कियां और कॉलेज का मसला जाकर आज हिजाब वर्सेस सैफ्रन शॉल हो गया है। अब उसको आगे जाकर ये हो रहा है कि अब हिजाब इस्लाम में है ही नहीं, उसके ऊपर डिबेट आ रहा है। तो एक छोटा जो विवाद था, एक छोटा जो डिस्प्यूट था कुछ लड़कियां और कॉलेज के बीच में एक स्कार्फ को लेकर, आज वो हिजाब के ऊपर ही, एग्जिस्टेंस के ऊपर ही सवाल आ गया है। तो ये जो मामला, एक छोटे मामले को लेकर आज जो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो मामला गया है, ये मैं समझता हूँ संघ परिवार की, इन फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक सोची समझी साजिश है। ये लोग बार बार, अब हम देखते हैं हर एक बीजेपी के जो लीडर्स हैं, खासकर बीजेपी में जो मिनिस्टर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, अब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, हिजाब को पूरी तरह से बैन करने की बात कर रहे हैं। तो अब उनका जो असली जो चेहरा है ये हिजाब के कंट्रोवर्सी को लेकर ये सामने आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं ये हिजाब के मामले पर जो मसला चल रहा है, आप देख रहे होंगे बीजेपी नेशनल और स्टेट मीडिया चैनल्स पर ये इल्ज़ाम लगाते आ रही है कि जो हिजाब का मामला जो शुरू हुआ है, पहले लड़कियां हिजाब पहनकर नहीं आती थी, HDPI और CFI PFI के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो लोग जो है ना लड़कियों को एक साजिश के तहत कॉलेज में हिजाब पहनकर भेज रहे हैं। तो इस बात पर आपका क्या कहना है? देखिए, मीडिया, खासकर जो गोदी मीडिया है और बीजेपी गवर्नमेंट, इंडिया में या स्टेट में कहीं भी कोई मसला होता है वो SDP और PFI का नाम लेता है। हमने देखा है कि CAA प्रोटेस्ट के टाइम पर भी वहाँ पर SDPI PFI का नाम आया, इवन फार्मर्स के प्रोटेस्ट में भी वहाँ पे भी आया कि SDPI PFI फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इनके पास कोई अपने जो नाकामयाबियाँ हैं, अपना जो लॉ एंड ऑर्डर का जो डिस्टर्बेंस है उसको, गवर्नेंस का जो डिस्टर्बेंस है उसको सही तरह से नहीं करने के बुनियाद पर उन्होंने सिर्फ बहाना बनाकर SDPI PFI को हर हमेशा कटघरे में ठहराने की कोशिश करता है। आपको आप ये बताइए कि जिस तरह से उडुपी के बाद शिमोगा और दीगर कई स्टेट में ये मसला चल रहा था, तो SDPI का उन स्टूडेंट्स के साथ क्या सपोर्ट रहा है, क्या आप लोग उनकी मदद कर रहे थे? जैसे कि हमने भी एक इंटरव्यू में देखा है कि लड़कियां खुद ये बता रही हैं कि SDPI PFI के कुछ और CFI कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तमाम ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये किस तरह का सपोर्ट आपका उन लोगों को है और क्या आप लोग उनके लिए काम कर रहे हैं? देखिए, इसका अगर क्लियरिटी अगर मिलना है तो ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ, अगर वहाँ से अगर हम जाएंगे तो आपको मालूम पड़ता है। कुछ ये जो लड़कियाँ हैं प्रिंसिपल के साथ, कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी जो है इनके साथ बार बार बैठने के बाद
इनके पेरेंट्स रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी कॉलेज की जो कमिटी है, कॉलेज की जो प्रिंसिपल है और वहाँ की जो कमिटी है, लड़कियों को क्लास में बैठ स्कार्फ बैठकर क्लास में अटेंड करने के लिए उनको परमिशन नहीं दे रहे थे। हम सब लोग ने इंडिविजुअल्स देखा है, तकरीबन 3 हफ्तों से ज़्यादा लड़कियां क्लास में नहीं बैठ के वो सीढ़ियां पे बैठ रहे थे। पूरा 3 हफ्ते तक पूरा कर्नाटक मीडिया, पूरा नेशनल मीडिया, सब लोगों ने देखा है। ये जब मसला आने के बाद, जब वो लड़कियां उनका जो कॉलेज डेवलपमेंट के बारे में, कॉलेज डेवलपमेंट की कमेटी होंगे, प्रिंसिपल को और पेरेंट्स बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद जब वहां पर थक गए, प्रोटेस्ट 3 हफ्ते से बाहर बैठकर प्रोटेस्ट करने के बाद थक जाने के बाद कुछ लड़कियां कह लूँ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के जो वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनको अप्रोच किए कि अब इसका हम सोल्यूशन किस तरह से निकालें। तो वहाँ के जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि अगर ये अगर मामला है तो इसको लीगल कोर्ट में हम जाकर इसको हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो जो देश जो चलता है किसी एक के रूल्स के हिसाब से नहीं चलता, देश जो चलता है संविधान के हिसाब से चलता है। अगर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी हो या प्रिंसिपल अगर नहीं मान रहे हैं तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कानून की मदद लेंगे, बल्कि वो मदद के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया होंगे या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया होंगे, उन लोगों ने लीगल मदद के लिए बच्चों के पास गए हैं। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया हो या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो, तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोग कोर्ट को जाने के बजाय, क्या आप लोगों ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि कॉलेज मैनेजमेंट से आप लोग जाकर बात करें, उनसे बात करने के बाद एक रास्ता वहीं का वहीं एक रास्ता निकाल कर इस मसले को ख़त्म किया जाए? क्योंकि देखिए बीजेपी के अलावा कई दीगर कांग्रेस की भी ऐसे कुछ लीडर्स हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मामला बैठ कर अगर बात करेंगे तो ख़त्म हो सकता था, जानबूझ कर कुछ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने इस मसले को जो है ना इस तरीके से उछाला है कि आज ये मसला पूरा हिंदुस्तान में एक हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति पर आकर बैठ गया है। 3 हफ्ते 4 हफ्ते वो लड़कियां प्रोटेस्ट करने के बाद उनकी पेरेंट्स मीटिंग हुई, वहां के जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उड़पी के, चाहे वो कैंपस फ्रंट हो या गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हो या दीगर ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर जाकर बैठकर बात करने के बाद पूरे ऑप्शंस फेल होने के बाद ही हम लीगल कार्रवाई के लिए गए हैं। सिर्फ ये मामले में नहीं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया होंगे या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया होंगे, जहाँ भी नाइंसाफ़ी होती है, चाहे मुसलमान होंगे, दलित होंगे, पिछड़ा तबका होंगे, कोई भी शख्स होंगे, जहाँ पर लीगल कार्रवाई के लिए हम लोग जाके उनकी हेल्प करते हैं। उसी तरह से हम जब पूरे ऑप्शंस ख़त्म हुए, पूरे मीटिंग्स, पूरे जो रिक्वेजिशन जो करना था, जो भी मुतालबे करना था, वो ख़त्म होने के बाद लास्ट मोमेंट में कोर्ट का जो लीगल कार्रवाई है उसके तरफ गए हैं। और ये संविधानिक हक है हमारा कि हम कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम कोर्ट को नहीं जाकर हम प्रोटेस्ट करते, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते ये बच्चों को लेकर, तो जब SDPI को क्या आलम आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं बोल के बोलना था। हम वो कुछ नहीं किए, हम ना कोई प्रोटेस्ट किए, हम ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कुछ नहीं किए, हम सीधा सीधा लीगल कार्रवाई के लिए कोर्ट के पास गए, जो एक संविधानिक हक है। देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप इन मुस्लिम खवातीन, मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए जो आप हिजाब को लेकर आप कोर्ट को जाकर फाइट कर रहे हैं, ये जब मामला शुरू हुआ था उस वक्त से अगर आप नज़र डालेंगे आप देख सकते हैं कि इस पर कांग्रेस पार्टी के भी कई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोग भी लगातार इस पर खामोश नज़र आए हैं। और कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो MLA हैं उनका इस मामले पर ये भी कहना था कि अगर कॉलेज में ड्रेस कोड की बात आ रही है तो हिजाब पहनकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ड्रेस कोड की जो बात की जा रही है कि ड्रेस कोड अगर वहाँ पर कॉलेज में है, कॉलेज का मैनेजमेंट अगर आपको यह कह रहा है कि ड्रेस कोड अगर पहन कर आए हिजाब पहनने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके ऊपर क्या मुस्लिम खवातीन हिजाब निकाल कर कॉलेज नहीं जा सकती, इस पर भी जो है ना कई सवाल सामने आ रहे हैं। देखिए ये 2-3 सवाल है। पहली बात यह है कि ये जो कॉलेज है प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है, इसकी एक कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी है, इन्होंने क्या डायरेक्शंस दिया और वो डायरेक्शंस को लेकर वहाँ की जो लड़कियाँ हैं ना रिक्विजिशन दिए हैं कि हमें स्कार्फ के साथ। देखिए वो लड़कियाँ यूनिफॉर्म हम नहीं पहनते बोल के नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आज पूरे देश भर में यही है कि वो लड़कियाँ यूनिफॉर्म पहनने से मना कर रहे हैं। बिल्कुल ये यूनिफॉर्म वो लड़कियां हम देखें 3 हफ्ते से पूरा विजुअल्स देखें, वो लड़कियां पूरी यूनिफॉर्म में है, खाली एक एक्स्ट्रा कपड़ा पूछ रहे हैं क्या, वो भी सिर्फ सर ढापने के लिए, और वो भी कौन से कलर का यूनिफॉर्म कलर का ही है। वो लड़कियां यूनिफॉर्म पहनने के लिए तैयार है, खाली एक रिक्वेस्ट है बच्चों का कि जो सिर को जो ढापने का है सिर्फ उसका हक पूछ रहे हैं, और पूरे मुस्लिम लड़कियां नहीं पूछ रहे,
कुछ मुस्लिम लड़कियां पूछ रहे हैं और बाकी के ऑलमोस्ट वहां पर बहुत सारे मुस्लिम लड़कियां हैं जो बिना स्कार्फ के बैठ रहे हैं, वो उनका हक है, लेकिन कुछ लड़कियां पूछ रहे हैं कि हमको चाहिए। तो एज ए इंडियन सिटीजन जो देश जो संविधान पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब बात करते हैं कि कुछ लड़कियां वो फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हमें चाहिए कुछ नहीं चाहिए, वो उनकी चॉइस है, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे कि ये पहनना ये नहीं पहनना बल्कि कुछ लड़कियां हम बहुत जगह देखते हैं, इवन मार्केट में भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, कुछ मुस्लिम लड़कियां बुरखा नहीं पहनते हैं, कुछ लोग पहनते हैं, यहाँ पर कोई भी किसी को कंपलसरी नहीं कर रहा है, वो उनके अख्तियारात में है पहनना नहीं पहनना, हम किसी को थोप नहीं सकते कि आप पहनिए या नहीं पहनिए बोलकर। वहाँ पर उडुपी कॉलेज में भी यही मसला है, कुछ लड़कियाँ बिना स्कार्फ के क्लास अटेंड कर रहे हैं, कुछ लड़कियाँ रिक्वेस्ट करें कि हमको स्कार्फ के साथ बैठने के लिए दीजिए, और जो संवैधानिक हक है उनका पूछना। ठीक है, जिस तरह से हिजाब की आवाज़ उठाई जा रही है, हिजाब फंडामेंटल राइट की बात कर जो हिजाब पहनने की बात आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कई एबीवीपी के और वीएचपी के जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो स्टूडेंट्स को जो है सैफ्रॉन कलर की भगवा कलर की शॉल वगैरह पहना कर भेज रहे हैं। ये कहीं ना कहीं देखिए अब बाहर सड़कों पर हमने देखा था अब तक और कई पॉलिटिकल स्टेजों पर हमने देखा है कि हिंदू मुस्लिम की बात होती है, कट्टरपंथी वहाँ पर देखी जाती है और मुस्लिम धर्म की राजनीति वहाँ पर की जाती है, वहाँ से हटकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर भी इस तरह से धर्म की राजनीति खेली जा रही है, इसको आप किसको इसमें आप जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? देखिए वो लड़कियाँ 3 से 4 हफ्ते से क्लास में नहीं अटेंड करके बाहर बैठ रहे थे, पूरा देश देखा, जब सब जने सवाल करना शुरू करा कॉलेज की अथॉरिटी को और वहाँ के जो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के ऊपर जब सवाल आना शुरू हुए, तो ये लोग अपने आप को बचाने के लिए कौन कॉलेज कमेटी और वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के मैनेजमेंट अपने आप को बचाने के लिए इनको वहाँ के स्टूडेंट्स को इंटिमिडेशन करना शुरू करें, अगर आप अपना प्रोटेस्ट वापस नहीं लेंगे तो हम हिंदू लड़कियों से या लड़कों से बोलेंगे कि वो सैफ्रॉन फ्लैग पहन कर आए, उनको लिटरली वहाँ पर धमकी दिए हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करें तो हम ऐसा करेंगे। वहाँ से शुरू हुआ कि एक चैलेंज के तौर पर, क्योंकि ये लड़कियाँ नहीं डर रहे थे, 3-4 हफ्ते से रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी हक को लेकर, इनके प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, इसको टर्न करने के लिए वहाँ के जो लोकल MLA हैं जो भट्ट हैं, उन्होंने ये कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं, अपना नाम ख़राब होता देख कर क्या करें, इन्होंने चैलेंज किया कि अब हम इसको हिजाब वर्सेस शॉल कर वहाँ पर उडुपी में क्या करें, इन्होंने स्पॉन्सर किए हैं, हम देखते हैं वीडियो, हम वीडियो देखे हैं, फोटोज़ देखे हैं, पूरे सोशल मीडिया पे आया कि बड़ी बड़ी ऐसी कारों में जो गवर्नमेंट के कॉलेज के जो लड़के जो जा रहे थे उनको बुला बुला कर शॉल दे रहे हैं, उनको सैफ्रॉन की टोपी पगड़ी दे रहे हैं, एक स्पॉन्सर करके क्या मालूम इसको एक हिजाब वर्सेस शॉल बनाने की एक कोशिश की गई। तो जब से क्या मालूम ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम का जो टॉक शुरू हुआ है, वहाँ की लोकल MLA इसकी इंटरवेंशन के वजह से यहाँ पे वो कम्युनल एंगल यहाँ पे स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए रहीम साहब, अब तक हमने कल तक हमने ये देखा है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम धर्म के जो बच्चे होते हैं कॉलेजेस में और स्कूल में अपना धर्म घर पर छोड़कर आकर भाईचारगी के साथ हंसते खेलते वो पढ़ाई कर अपने अपने घर लौट कर जाते थे, लेकिन आज का जो माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस तरह से भगवा शॉल पहनकर जो बच्चे आपको कॉलेजेस में नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर रिलीजियस स्लोगन्स वहाँ पर लगाए जा रहे हैं, फतराव किया जा रहा है, क्या लगता है आपको, क्या ये हकीकत में कॉलेज स्टूडेंट ही होंगे या कोई और दीगर बाहर से लोग गुंडे आकर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, क्या लगता है इस मामले पर आपको? सिर्फ 5 से 10% स्टूडेंट्स होंगे जो वहीं के कॉलेज के हैं, बाकी के जो वहाँ पर जो दिख रहे हैं ये बाहर के लड़के हैं, बजरंग दल के हैं, उसमें राम सेने के हैं, ABVP के स्टूडेंट्स हैं जो वो कॉलेज के नहीं हैं, इन लोगों को मोटिवेशनल इनको भड़काने के लिए क्या लोग उनके साथ आ रहे हैं, हम देखते हैं वीडियोस में, वो कॉलेज के नहीं है बच्चे, बाहर के बच्चे उनको मोटिवेशनल हिसाब से ला रहे हैं, और ज़्यादातर ये जितने भी इंसिडेंट हुए कर्नाटक में ये गवर्नमेंट कॉलेज में हुए हैं, BJP के
आरएसएस के, बजरंग दल के ये जो बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, इनके बच्चे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं। प्राइवेट कॉलेज में कहीं भी झगड़ा नहीं हो रहा, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में हो रहा है। वो जो गरीब का बच्चा है, जो दलित का बच्चा है, जो ओबीसी का बच्चा है, जो गरीब का बच्चा है, उनको ज़बरदस्ती शॉल पहनाकर, ज़बरदस्ती टोपी पहनाकर, उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके, उनको एक अलग तरीके से मोटिवेशन करकर ये कॉलेज को भेज रहे हैं। और वो बच्चे अपने ही कॉलेज में जाकर फतरे मार रहे हैं, अपने ही कॉलेज में जाकर शीशे तोड़ रहे हैं, अपने कॉलेज में जाकर वहाँ के क्लास फेलोज के साथ जाकर मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है सिर्फ चंद लोग हैं जो कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं मेजॉरिटी हमारे हिंदू जो सेक्युलर जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग हिजाब के सपोर्ट में आए हैं, मुसलमानों से ज्यादा तो नॉन मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग सपोर्ट में आ रहे हैं हमारे मुस्लिम हिजाब गर्ल्स के बारे में। इसके ऊपर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये मामला फिलहाल कर्नाटक का हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट का डिसीजन भी इसके ऊपर आने को है। उससे पहले जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता, हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि तमाम जो लोग ये लड़कियां हिजाब पहन कर आ रही हैं उसको हिजाब को रोका जाए, और जो लड़के शॉल और टोपी पहन कर आ रहे थे वो शॉल और टोपी पहन कर ना आए। ये जो फैसला बताया जा रहा है कोर्ट की तरफ से, इसके ऊपर भी लोगों के दरमियान कई सारे कन्फ्यूज़न नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप, क्या हाई कोर्ट का फैसला है आपकी नज़र में? देखिए, हाई कोर्ट का जजमेंट की कॉपी मेरे सामने है, इसमें बहुत ही क्लियरली लिखा है, टोटल 12 पैराग्राफ का ऑर्डर है। अगर आप पैराग्राफ नंबर 11 अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें क्लियरली जज साहब ने ऑर्डर दिया है कि ये जो ऑर्डर है हमारा सिर्फ ऐसे इंस्टीट्यूशन को ऑर्डर लागू होता है जहां पर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने कोई यूनिफॉर्म के बारे में ऑर्डर दिया हो पहले से। सभी कॉलेज के ऊपर नहीं है, सिर्फ ऐसे कॉलेज, ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर कॉलेज डेवलपमेंट की कमेटी होती है, और वो कमेटी कैलम ये जो कोर्ट केस शुरू होने से पहले अगर कोई यूनिफॉर्म दे रही है कि यहाँ पर हिजाब नहीं होना है, यहाँ पर स्काफ नहीं होना है, सिर्फ ऐसे कॉलेज में कैलम ये स्टेटस क्यों मेंटेन करना है कि कोई भी हिजाब पहन के नहीं जाना है या भगवा शॉल पहन के नहीं जाना, कोई भी रिलीजियस सिंबल पहन के नहीं जाना। पहले से वहाँ पर ये मेंशन किया होना चाहिए ना कि वहाँ पर हिजाब पहन कर नहीं आना चाहिए, शॉल पहन कर नहीं आना चाहिए। लेकिन देखिए, जिस तरह से ड्रेस कोड की बात होती है, कुछ कॉलेजेस में ड्रेस कोड मैंडेटरी किया गया है, वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे लॉ के हिसाब से तो ड्रेस कोड जो है नेक के नीचे से ड्रेस कोड स्टार्ट होता है, नेक के ऊपर जो है ना ड्रेस कोड वहाँ पर लागू नहीं होता, ये बातें भी सामने आ रही है। क्या आपको इस पर कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं ड्रेस कोड। अब फॉर एग्जांपल हमारे सिख भाई हैं, वो लोग पगड़ी पहनते हैं, क्या उनकी पगड़ी के बारे में सवाल करेंगे क्या? वही बात आ रही है ना, जो हिजाब हमारी हिंदू बहनें टीका लगाते हैं, कुछ हिंदू भाई तिलक लगाते हैं, तो अब उसके ऊपर भी सवाल आएंगे क्या? यहाँ पर देखिए, एक प्री प्लान तरीके से हिजाब के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, और बार बार स्कूल के बारे में, यहाँ पर स्कूल कोई भी यहाँ पर जो एप्लीकेशन दिए हैं कोर्ट में, स्कूल के बारे में नहीं है, ये जो मैच्योर जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो लड़कियाँ हैं उन्होंने अपना केस दायर किया है कि हमें स्कार्फ पहनने का हमें इजाज़त दीजिए। और बहुत सारा यहाँ पर कन्फ्यूजन ये भी है कि बुर्का पहन के बैठने के लिए इजाज़त पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म जिस तरह से दूसरे धर्म के लड़कियाँ पूरा तरह से यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसी तरह से ये भी पहनेंगे, सिर्फ एक सर के ऊपर एक कवर करने के लिए, जिसको हम स्कार्फ कहते हैं, जिसको हम हिजाब कहते हैं, सिर्फ उसके लिए परमिशन पूछ रहे हैं। काला बुर्का पहन कर क्लास में बैठने की परमिशन कोई नहीं पूछ रहा, और वैसा पूछ भी नहीं सकते। बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर बुर्का को और स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर हो रहा है, स्कूल यूनिफॉर्म के यहाँ पर बात ही नहीं है स्कूल के बारे में। कोर्ट की तरफ से क्या बताया गया, कंडू नहीं करिए, कुछ बता रहे थे कोर्ट की तरफ से जो फैसला? कोर्ट की तरफ से क्लियरली ये आदेश आया है कि उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में ऑलरेडी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने एक सर्कुलर निकाला है कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म होगा और यूनिफॉर्म में हिजाब नहीं होगा बोलकर ऑलरेडी एक सर्कुलर, ये केस विवाद होने से पहले अगर है तो वैसे इंस्टीट्यूट में क्या लूँ, ये कोर्ट का ऑर्डर लगेगा। जिस कॉलेज में लड़कियां पहले से हिजाब पहन के जा रही हैं, जहां पर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी का हिजाब के ऊपर कोई भी सर्कुलर नहीं है, वहां पर हमारी लड़कियां हिजाब पहन के जा सकती हैं। यहां पर एक्सक्लूसिवली पैराग्राफ नंबर 11 में सिर्फ ऐसे इंस्टीट्यूट जहां पर ऑलरेडी पहले यूनिफॉर्म के ऊपर और हिजाब के ऊपर सर्कुलर आया है, वो सिर्फ वही कॉलेज को ये लागू होगा। ठीक है, कुछ दिनों में अगर मान लीजिए कोर्ट का फैसला आ जाएगा
और उस कोर्ट के फैसले में ये कहा जाएगा कि कोई भी मुस्लिम लड़की कॉलेज के जाने के दौरान हिजाब नहीं पहनना है। तो अगर इस तरीके के अगर कोर्ट का फैसला आएगा, क्या आप लोग इस कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तैयार हैं? नहीं, कॉलेज को जाने के लिए हिजाब होना है, बुरखा है ना, उसके ऊपर सवाल ही नहीं है। क्लास में बैठने, क्या हिजाब क्लास में बैठकर हिजाब पहन सकते हैं, सिर्फ इसके ऊपर विवाद है। लेकिन ये सोशल मीडिया और ये बीजेपी और ये जितने भी संघ परिवार है, ये सीधा सीधा बुरखे के ऊपर सवाल उठाए हैं। यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा एक मसला है कि हिजाब पहनकर क्लास में लड़कियां बैठ सकती हैं या नहीं बैठ सकती, सिर्फ इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। बुरखा इस्लाम में है या नहीं है, क्या मुसलमान लड़कियां बुरखा पहनना नहीं बोलना है, ये गलत डायरेक्शन में और गलत जगह डिबेट पूरी सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया और बीजेपी और फैसिस्ट लोग कर रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जिस तरह से ये तमाम मसला चल रहा है, HDPI का इसके अंदर क्या रोल है और दीगर पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर क्या रोल अदा कर रही हैं? जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि UP इलेक्शन को देखकर इस मामले को इतना लंबा खींचा जा रहा है, तो इस तमाम चीज़ों पर आप आवाम को आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ यही केस में नहीं, जहाँ जहाँ भी लोगों को लीगल की जो मदद होती है, उनको जब उनके ऊपर कोई परेशानी होती है, कोई उनके ऊपर तकलीफ आती है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उनको पास जाती है, उनको सपोर्ट करती है और लीगल कार्रवाई, लीगल लड़ाई में उनका सपोर्ट करती है। तो ये कहना कि इसके पीछे पूरा SDPI और PFI का हाथ है, ये गलत बात है। हाँ, उनके लीगल सपोर्ट के लिए, उनके मॉरल सपोर्ट के लिए, उनके कानूनी हक के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए हम उनके साथ लड़ रहे हैं। लेकिन इसके लेकर जो बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम देखते हैं कि ये जो पूरा जो प्रोटेस्ट है बीजेपी ने और संघ परिवार ने ऑर्गेनाइज करके दिया है। खुद ईश्वरप्पा साहब ने मीडिया पे कहा है कि हाँ, हम लोगों ने अयोध्या से हजारों लाखों केसरी शॉल मंगाए थे। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज करके ये प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है और इसका पूरा ब्लेम कर रहे हैं SDPI को। तो ये जो चीज़ है लोगों के सामने आना है। रहा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है, हम देखते हैं कि 3 हफ्ता 4 हफ्ता वो बेचारे लड़कियां स्कूल के बाहर जब ठहर रहे थे, जब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होंगे या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होंगे, लड़कियाँ के सपोर्ट में नहीं थे। जब पूरे इंडिया में, जब पूरे कर्नाटक में सब लोगों की तरफ से आ रहा था कि ये सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रहे हैं, मुस्लिम के MLAs क्या कर रहे हैं, तो जब उसके बाद जाकर के आलम सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज, सो कॉल्ड मुस्लिम MLAs हैं, जब जाकर प्रोटेस्ट करना शुरू करें, उसके बाद में सपोर्ट करना शुरू करें और ये मामले को लेकर, तब तक सब लोग खामोश थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शामिल होने के लिए रहीम पटेल साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट से एक बेहतर फैसला वहां से आएगा और तमाम स्टूडेंट्स जिस तरह से कल तक साथ मिलकर, तमाम मजहब के स्टूडेंट साथ मिलकर जिस तरह से पढ़ाई कर रहे थे, आगे भी उसी तरह से पढ़ाई जारी रखेंगे।